गाइस यही हुआ था मेरे लामास के साथ और मेरे को यहाँ कोई बदसूरत हेलो कभी पाउडर वगैरह नहीं लगाते क्या? हेलो पाउडर लगाने में कुछ शर्माती है तुम लोगों को? तेरे हाथ में कुछ है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, यस मुझे कुछ तो मिला गाइस। मेरी इन्वेंटरी फुल है, ओह माय गॉड मेरे को कुछ कोई मार रहा है मेरे को, ओह माय गॉड व्हाट द हेल। हेलो जी कितना हो, ऊपर आओ, अभी ऊपर आना पे तेरी में। इसके हाथ में क्या है गाइस? मैंने भी नोटिस किया इसके हाथ में कुछ खूबसूरत सी चीज़ है जिसे पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन अजीब सी है। मैं इसको अभी थैंक यू जी मेरे को वो दे दो। अजी कितना हो, ये मछली पकड़ने वाला जाला है गाइस। यही मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपनी इन्वेंटरी कभी फुल रखता हूँ हमेशा, कभी खाली रखता ही नहीं हूँ। मेरे को बाहर भी चेस्ट रखने पड़ेंगे आजकल। वेट अ मिनट, मेरे पास एक क्राफ्टिंग टेबल है, यह क्राफ्टिंग टेबल है। अभी हम क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखेंगे, इस क्राफ्टिंग टेबल को खोलेंगे, कैरेट हटाएंगे। मैं गोल्डन कैरेट बनाने की सोच रहा था, सारा मूड बिगड़ गया। तो अभी हम लोग बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल, सॉरी चेस्ट। तो चेस्ट मेरे को मिलेगा यहाँ से, चेस्ट यस ये रहा चेस्ट जहाँ से मैं अपनी इन्वेंटरी पूरी खाली करके रखूँगा। और यहाँ मैं अपने कुछ सामान भी रख दूँगा, थोड़ा थोड़ा ये रखो, ये भी 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 रखो, और जल्दी चलो वो सामान डिस्पॉन भी हो सकता है। यस मेरे को माइनक्राफ्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। तो इतना तो मैं जानता हूँ कि सामान भी डिस्पॉन होते हैं, लेकिन इतना नहीं जानता कि कब, तो कभी भी हो सकता। कौन हो भाई तुम लोग? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ हाँ यार, वो मछली पकड़ने वाला काटा मैंने इन्वेंट्री में क्या ना यार, लगता है वो डिस्पॉन हो गया। अब खतरा उठा के वापस नीचे भी नहीं जा सकता। ओ माय गॉड आ जा भी बदसूरत, तेरे लिए तो मैं ही ऊपर पाउडर वगैरह कभी लगाता ही नहीं है। शक्ल देखिए अपनी शक्ल यार, ये लोग भी रोटेन फ्लैश दे रहे हैं, लगता है ज़ॉम्बी पानी में जाने के बाद ऐसे ही बन जाते हैं। ओ माय गॉड यार, मेरी सांस देखी, यस। तो गाइस पता नहीं क्या नेचुरल सेल, तो इसके बारे में अपने फ्रेंड से पूछूंगा, वो माइनक्राफ्ट का प्रो और वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोलने वाला है 2-3 साल में। यस गाइस एक बात मेरी प्रॉब्लम है, अरे निकलो यार मेरे को नहीं चाहिए काटा, मछली पकड़ने वाला, मैं भागूंगा यहाँ से। ओह एंड वक्त बाहर निकल गया मैं गाइस, और लगता है मेरे घर का किसी को कॉल आ रहा है, तो मिलता है। तो गाइस मेरे को पता चला वो कंपनी का कॉल था, और मेरे को ये जो नेचुरल शेन टाइप का कुछ मिला उसको रखते हैं और अपनी एनिमल फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसमें सारा सामान रखो, ये भी 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 रखो, ये भी, सॉरी खाना मत रखो। एक मिनट आज मैंने वीडियो अभी इसलिए स्टॉप की थी क्योंकि मेरी आंटी एक आ गई थी, और यार वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो तुम लोग देखो अभी मैंने नोटिस किया ये नेचुरल सेन के साथ मेरे को ये फिशिंग रॉड भी मिल चुकी है। तो अभी सारे बेकार सामानों को रखते हैं, लीस्ट सबसे मेन चीज़ है उसको रखते हैं, बेकार नहीं है ये। अरे क्या आता है, ओके गाइस तो हमें इसे पॉपी को भी यही रखना है, आयरन और हमारा ये मैंने अभी तक इसको स्मल्ट नहीं किया, ब्लास्ट फर्नेस मैंने नाम के लिए रखा है। तो गाइस मेरे पास एक फुल बॉडी आर्मर है, आयरन की पिकैक्स, आयरन की सॉर्ड, सारी चीज़ है मेरे पास। और अभी मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत सारे फेंसेस बना सकता हूँ इतने से, तो चलो तोड़ते हैं। यस इतने काफ़ी होंगे। ओह माय गॉड सारे ब्रिज टूट गए, चलो छोड़ो अब क्या करें हम। मेरी एक परी गंदी आदतें हैं कि मैं अलग टाइप का गेट, अलग टाइप का फेंस लगाता हूँ, तो वही अभी मैंने किया। अगर मेरे पास ब्रिज टूट गया तो अलग चीज़ की लगाऊंगा। सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर देखकर तैयार करते हैं। वाह वाह यार,
ऐसी चीजें मेरे साथ होती रहती है अक्सर। तो अपने सीड से निकाल लेते हैं और इनको निकाल लेते हैं। अभी मैं बता दूं कि मैं स्टिक से किसमें निकाल रहा हूं, स्टिक से ही निकालने में मजा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। और गाइस मैंने ये बस ऐसे ही परमानेंट के लिए बिल्कुल नहीं बनाया, हमारा ये आइलैंड पूरा हमारा होगा। अभी स्ट्रक्चर को क्या है चाहिए तेरे को? ठीक है ले ले ले, ठीक है ऐसे मेरे पास पड़े होते अब नहीं दूंगा। और इतनी फास्ट में निकाल रहा था मेरे को, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके इन कैरेट्स को यहाँ रखो, इनको यहाँ रखो, इस तरफ कैरेट लगा देते हैं। ये स्टाइल्ड स्ट्रक्चर डिज़ाइन बन जाएगा खतरनाक वाला। और खाने के बाद यहाँ से तोड़ते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? और रात भी आ गई भाई, खतरनाक। अभी मॉन्स्टर यार हमेशा इसका आता है, कहीं नहीं छिकी हुई में छे कर नहीं बेची, क्या करेगा सर निकल देते हैं इसके हाथों में। ऐसे ही मारने में मजा है, निकल तेरी में चल निकल। शक्ल देखिए अपनी, आ जाते कहाँ कहाँ से। हाँ तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि मैंने एक डिज़ाइन बनाना है। ओह माय गॉड, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और गाइस मैंने अभी एक नया डिज़ाइन सोचा है जिसका अभी मैं इस्तेमाल करने वाला, तो देखो और समझो और बताओ कैसा डिज़ाइन है ये। ऐसे यहाँ से यहाँ। ओके अभी प्लैंक लेंगे और जो मैंने जगह ये की है उसको यहाँ से भर देंगे और बाकी सब विटामिनस मैंने यहाँ का किया ही नहीं। ओके तो अब हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ से फेंसेस लेंगे, यहाँ लगाएंगे। अब इससे गाइस होगा ये कि लाइटिंग भी बाहर की आएगी और हमें सब कुछ दिखेगा भी। तो मैंने ना अलग अलग डिज़ाइनिंग की लगानी थी लेकिन अच्छा लग रहा है ये, तो मैं इसी का लगा लेता हूँ। और लिटरली मैं जब ऑफलाइन में अपने मैप में खेला करता तब मैंने ये डिज़ाइन बनाया था अपने एक स्टोरेज रूम में। स्टोरेज रूम का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसमें अपना सारा पूरा कचरा फेंकते हैं, वो वाला स्टोरेज रूम नहीं जिसमें अपना बिना यूज़ करने वाला सामान रखते हैं। और अच्छा लग रहा है ये, तो देखते हैं बाहर कोई क्रीपर हो प्लीज़। अभी क्रीपर नहीं, तेरे को मारने के लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। पावा यहाँ से तीन शॉट में पड़ी। गाइस तो हाँ मैं यहाँ पे कैरेट उगा रहा था क्योंकि मैं स्टाइल है ये। कभी कभी अपना स्टाइल भी ज़रूरी होता है। हाँ अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा है, पता नहीं कब कहा लेकिन कहा है। तो गाइज आई थिंक ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मेरे को ये भी तोड़ना है यार। मैंने ना बड़ा आलसी होते जा रहा हूँ मैं सच में, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गाइज। गाइज अभी मजाक नहीं, मेरा दिमाग पता नहीं क्यों खराब हो रहा है स्पीकर वाली बात को लेके। उससे खतरनाक वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी, क्योंकि ना उसने ना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा, नहीं सच में बड़ा नुकसान कर दिया यार। एक हद होती है, मेरे प्यारे क्यूट क्यूट सलामा को मार दिया। नहीं मैं अपने पे दोस्त क्यों ठहरा, मुझे पता है मैंने ही मारा है, लेकिन अपने पे दोस्त कभी कभी ठहराना अच्छी बात नहीं होती है, समझे ना। अच्छा है अच्छा है, एक आदमी
एक आदमी पूरी आदमी को पहचान के देता है, अच्छा है अच्छा है। और गाइस शिनचैन को आपसे कुछ बात करनी है तो बहुत सुनो से प्लीज। अरे तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे वर्ड लगे थे ताकि मुझे भी मजा आए वीडियोज़ बनाने में। भाई तू कब वीडियोज़ बनाता है, तू तो आराम से जाके चौका चिप्स खाते रहता है। अरे मैं तो बस ऐसे ही लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, तुम समझा करो मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ। भाई हर कोई समझ रहा है तो लंबी लंबी फेंक रहा है। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ। हाँ तो गाइस आई थिंक मेरा काम हो चुका है। ओके द स्ट्रक्चर इज रेडी। अभी ना हमें ना हम इस पर जो अपना फार्म बनाते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं गाय का फार्म। ऐसे ऐसे यहाँ ये डाला, यहाँ ये डाला, सॉरी यहाँ ये डाला, यहाँ ये डाला, यहाँ ये, और उसके बाद यहाँ ये, यहाँ 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 यहाँ। गाइस मेरे को समझ में नहीं आता इन गेम वालों ने ये क्यों नहीं किया कि कुत्तों को आर्मर पहना, कुत्ते ही तो असली फाइट करते हैं। ये घोड़े करते क्या है भाई, न घोड़े स्केली स्केली न घोड़े को मारते हैं, न घोड़े स्केली को मारते हैं। तो इसमें कौन, अगर ऐसा मैं बोलूँ घोड़ा छू तो वो करता ही नहीं है, और ऐसा अगर कुत्ते को बोला कुत्ता छू तो वो कहता है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसी का ज़रूरी था। ओके तो अभी हम गाय लाते हैं या फिर पिगीज लाते हैं, तो अक्कर बक्कर बम में बो 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो अभी हमें गाय को लाने जाना है। यस वैसे आया तो पिगी पे था लेकिन मेरे को पिगी को टेम करने का मूड नहीं था, तो इसी वजह से गाय आज कितना हो आ जा मैं खिला भी देता हूँ ताकि तू और स्पीड में आए। आ जा अबे तेरे को कौन लाएगा बे हैं, अभी अभी लाते हैं तेरी जीएफ को। तेरे जीएफ का जिनको जिनको मतलब नहीं पता यूट्यूब बिल्कुल मत करना वरना पापा घुमा कर देने वाले हैं। जीएफ का मतलब मुझे भी नहीं पता लेकिन लोग बोलते हैं तो बोलने मज़ा आता है। चलो यार क्या जीएफ का मतलब हद होती है एक चीज़ की। एक और काम मेरे को मिल चुका है तो चलो इसको भी लेके चलते हैं। और इनका उसके ना पैर देख कर मेरे को हंसी आती। तू कहाँ आ रही है, तू अभी नहीं हो सकती है। आ जाओ गाइस मैं बिल्कुल थक चुका हूँ इन लोगों को आजा आजा करते करते। आजा 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 यहाँ 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 इस साइड आ भाई। तू यहाँ क्या कर रही है, दिखता नहीं है लोग कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ की हद होती है। तो गाइस हमारा गाय का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, तो अब बनाते हैं शीप्स का। शीप का छोटा छोटा बहुत बनाएंगे क्योंकि मेरे को शीप्स का ज़्यादा बना बड़ा नहीं बनाने का है, तो इन लोगों का थोड़ा बहुत डिज़ाइन से बनाऊँगा। यह अब मेरे को जो गेट्स बनाने लगेंगे और उसके बाद पता नहीं उसके बाद क्या, लेकिन हाँ उसके बाद बोले मज़ा आता है यार। गाइस मेरे को लग रहा है वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है और तुम लोग इतने वीडियोस देख, मेरे को लग रहा है वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो रही है। तो गाइस इस स्ट्रक्चर में मैं गेट यहाँ लगाऊंगा और इस स्ट्रक्चर में गेट यहाँ लगाऊंगा। तुमको क्या लगा इतनी अहमियत, इज्जत इज्जत कहते क्या है इनसे पूछो। चलो शीप कम है यार, कम है यार, कम है यार, कम है यार, कम है यार। यार मेरे को ना दो शीप्स दिखती नहीं है, बस मेरे को ना दो शीप्स चाहिए, दो शीप्स। हेलो अजी कितना हो, मेरे को चाहिए ये। चलो मेरे को ट्रेड दिखा। उल्लू समझता तू मेरे को, उल्लू बोल, उल्लू समझता तू मेरे को हैं, बोल। यस गाइस दौड़ रेश आ चुके हमारे पसंद में, कितना शैतान हूँ यार, नहीं दिल से बहुत अच्छा हूँ मैं।
इतना मेरे इन लामा को मारते हैं इन्होंने जो क्या मतलब खुद में ही थू थू करने जा रहे हैं। तू क्यों नहीं आ रहा बे, अबे तू क्यों नहीं आ रहा, ये लगता है इसे पता ही नहीं था किसका भाई यहाँ है। एक और लीश कहाँ है यार, कितना करना पड़ता है ना इन लोगों के लिए। यार एक शीप मेरे को मिली थी, मेरे को एक ही लामा पालने का, जाओ यहाँ से। यार अजीब है, जाता ही नहीं है, मेरे को एक ही पालने का है। कोई प्रॉब्लम तुमको, अरे कुछ प्रॉब्लम मेरे पावा बोल ना मेरे को। आजा, इसका नाम मैं रखूँगा थुकू। ये लोग बहुत थूकते हैं ना इसी वजह से। थुकू यहाँ आराम से रह लो। यार तुम मेरे को एक और आ जाओ मेरे साथ प्लीज। तो गाइज आप लोगों के लिए मैंने एक सरप्राइज रेडी किया, पहले सो लेते हैं उसके बाद बाहर चलते हैं। और बाहर जाने से पहले एक बात कि मेरे ये एनिमल फार्मिंग पे थी तो ज़्यादा फार्मिंग मैं करूँगा नहीं एनिमल्स की। ओए ओ भाई ओ जोला, तू कहाँ से आ गया बे? विच कमांडर से कुछ मिलता है क्या? अबे तेरी मैं किसको मार रही है बे? ओ जोला भाई, इधर आ, इधर आ, इधर 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 आओ। चलो तो बड़े भागे भागे आते थे, यहाँ यहाँ यहाँ। ओके कम यार, ओ इसी वजह से ही निकले यार। एक क्रीपर भी ना, आ जाओ यार, दिलाई का दिमाग खराब कर रहे लो। ओके गाइस, मैं इस जगह को रिपेयर बाद में करूँगा, अभी कर दूँगा, मजाक कर रहा हूँ मैं। यार लिटरली मैं ये हर जगह ना क्रीपर क्रीपर, अगली वीडियो तो क्रीपर पे होके रहेगी, मैं सच बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे होगा एस आर इंडियन गेमर वर्सेस क्रीपर, मैं भी सच बोल रहा हूँ, मैं सच में क्रीपर की पूरी प्रजाति ख़त्म कर लूँगा, मजाक कर रहा हूँ। क्रीपर को मैं कैप्चर करूँगा, उसके रोज एक एक शॉट बचाऊंगा। यार मजाक कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो क्रीपर पे नहीं होने वाली। क्या क्रीपर तो हमेशा आते रहते हैं भाई, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है। मेरे को आर ओके आई एफ हंडर चाहिए, इसके लिए मेरे को यहाँ पे ये करना पड़ेगा। यस गाइस, हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, इससे होगा ये कि ये लोग जितनी दूर रह पाएंगे उतना मेरे लिए बेटर होगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं था उतना, क्योंकि एंडरमैन फिर से गायब हो गया। भाई मेरे को बता, तुम्हारी कोई खुजली होती है? नहीं नहीं, एक जगह रहने में कोई खुजली होती है तुम्हारी? तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद ही होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।